आज उन औषधियों के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में अत्यंत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक बताया गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में मुरझाया हुआ पौधा भी हरा भरा और खिलखिला जाता है, ठीक उसी प्रकार से दुर्बल व्यक्ति भी विधि पूर्वक लगातार इसका सेवन करे तो वह भी हष्ट पुष्ट और सुडौल होकर अपने भीतर एक नई ताकत और नई ऊर्जा भर सकता है। दोस्तों, ताकत के नाम पर, स्टैमिना के नाम पर आज कितना भ्रम फैला हुआ है। जो खाना चाहिए उसे नहीं खाते, वह जिनसे बचना चाहिए वो खा खा कर अपना सत्यानाश करते रहते हैं। मेरे बताए गए इन प्रयोगों को यदि आप पूरी विधि पूर्वक सेवन करते हो तो यकीन रखना आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक सप्ताह के भीतर ही आपको अपने आप में फर्क महसूस होने लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक ताकि आपको पता चले कि इसे कब लेना है, कितना लेना है, वह किसके साथ लेना है। दोस्तों, आज मैं आपको दो बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग के बारे में बताने वाला हूं, तो आप इसे अच्छे से समझना ताकि बाद में कोई भी परेशानी आपको ना हो। प्रयोग नंबर पहला, अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण। दोस्तों, इसका नाम तो आपने कई बार सुना ही होगा, पर इसे कैसे लेना है, वह कितनी मात्रा में लेना है ताकि इसका प्रभाव 100 गुना हो जाए, इसे कोई नहीं बताता, जिसके कारण इसे जानते हुए भी इसका भरपूर फायदा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी को ये गर्म ही कर जाती है तो किसी को सूट ही नहीं करता। लेकिन आज जो मैं प्रयोग बताने वाला हूँ, जो मिश्रण बताने वाला हूँ, वो सभी के लिए सौम्य है, यानी कि सभी को सूट करेगी। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना 1/4 चम्मच अश्वगंधा और 1/4 चम्मच शतावरी का पाउडर, और साथ ही आधा चम्मच आपको मिश्री लेनी है और 1 चम्मच देसी घी। इन सबको मिला करके आपको पेस्ट बना लेना है और इसे हल्के गुनगुने दूध के साथ इसे खाना खाने के 1 घंटे बाद ही सेवन करना है, क्योंकि खाली पेट अक्सर देखा जाता है कि इसे लेने के बाद अक्सर आदमी को गैस की समस्या हो जाती है। अब बात करने वाला हूँ दूसरे प्रयोगों के बारे में। अभी तो मैं मिश्रण बता रहा हूँ, बाद में इसको लेने का सही समय भी बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे मिश्रण में। दूसरे में लेना है आपको लिक्विड शिलाजीत। आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हो, वैसे पतंजलि का बढ़िया रहता है। अब इसे कैसे लेना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये बहुतों को गर्म कर जाती है, तो इसे कैसे लेना चाहिए ताकि ये गर्म भी ना करे, अच्छे से पच भी जाए व शरीर को पूरा फायदा दे। तो इसके लिए लेना है आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध, 1 से 2 छोटी इलायची और 1 चम्मच मिश्री। इन सबको अच्छे से मिला दें, आपकी मिश्रण तैयार है। तो इसे लेना कैसे है ये जान लेते हैं दोस्तों। तो सुबह को नाश्ते के बाद आप शिलाजीत वाली मिश्रण ले सकते हो, और रात को सोने से आधा से 1 घंटा पहले आप अश्वगंधा और शतावरी वाला मिश्रण ले सकते हो। शिलाजीत वाले मिश्रण लेते समय आपको यह ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म चीज़ों के सेवन से उन दिनों बचें व अधिकाधिक 3 महीने तक इसका सेवन करें, व फिर 1 से 2 महीने का बीच में गैप दें, फिर चाहे तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप इन बताए गए नुस्खों को आप प्रॉपरली यूज़ करते हो, आपको खुद इसका प्रभाव नज़र आने लगेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सीधे कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।